मैंने सुना है घर में 7 horses की पेंटिंग लगाने से घर में खूब पैसा आता है। ऐसा कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं। उनका सवाल जायज़ भी है। पैसा तो आता है, लेकिन सवाल ये है कि किस दिशा में किस कलर की किस टाइप की पेंटिंग लगाई जाए कि उसके हमें बेनिफिट ही मिले, उसका कोई नुकसान ना हो। क्योंकि अधूरा ज्ञान जो होता है वो तो खतरनाक होता है, उसका नुकसान भी हो सकता है। इसलिए इन चीज़ों का तो ध्यान रखना है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें यूज़ करना है। नमस्कार, स्वागत है आपका भूमित्र वास्तु में। फ्रेंड्स, पेंटिंग्स का वास्तु में एक बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। इन्हें 2D रेमेडीज का दर्जा दिया हुआ है। पेंटिंग्स जो होती हैं या 2D रेमेडीज जो होती हैं वो हमारे डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड पे इफेक्ट डालती हैं। इसलिए जो पेंटिंग्स का रोल होता है वो वास्तु में एक बहुत गहरा रोल होता है, एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो क्या इसका ये मतलब है हम किसी भी तरीके की पेंटिंग हम किसी भी दिशा में लगा देंगे तो उसका हमें बेनिफिट मिलने वाला है? जवाब है ना। अगर गलत डायरेक्शन में हम गलत कलर की पेंटिंग लगा देते हैं या गलत बैकग्राउंड वाली पेंटिंग लगा देते हैं, गलत इफ़ेक्ट देने वाली पेंटिंग हम लगा देते हैं, तो उसका जो है हमारे लाइफ के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आता है। इसलिए कुछ चीज़ों का तो हमें खास ध्यान रखना होता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, जो रनिंग हॉर्स वाली पेंटिंग का हमने बात करी। अब हॉर्स जो होते हैं वो प्रतीक होते हैं एक पावर के, एनर्जी के, एक फ्लो के, एक वर्किंग कैपेसिटी के, एक ग्रेस के। इन सब चीज़ों का प्रतीक होते हैं रनिंग हॉर्सेस। अगर हम इसकी दिशा अगर समझने जाएं तो साउथ की दिशा का जैसे हम एग्जांपल लेने जाते हैं, साउथ की जो दिशा होती है वो होती है हमारे वर्किंग कैपेसिटी के लिए और हमारे वर्किंग फ्लो के लिए, एक पावर के लिए, एनर्जी के लिए। यह सब चीज़ें जो होती हैं हम साउथ के डायरेक्शन से देखते हैं, क्योंकि साउथ की डायरेक्शन मंगल की दिशा होती है। मंगल ही हमें पावर देता है, एक एनर्जी देता है, एक ग्रेस देता है, ये सब चीज़ें हमें मंगल देता है। तो अगर हम 7 running horses की पेंटिंग साउथ की डायरेक्शन में लगाते हैं, उनके कलर्स का ध्यान करते हुए, उनके बैकग्राउंड का ध्यान करते हुए, जैसे कि ये पेंटिंग है, इसमें हम देख रहे हैं एक उगता हुआ सूरज दिख रहा है, एक येलोइश कलर का या ऑरेंज कलर टाइप का बैकग्राउंड दिख रहा है। नीचे भी अगर हम देखने जा रहे हैं तो उड़ती हुई धूल दिख रही है, उनके ऊपर भागते हुए घोड़े हैं जो सब के सब एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। अगर हम ओवरऑल पेंटिंग का अगर एनालाइज करने जाएं तो इसका जो कलर इफेक्ट दिख रहा है वो येलोइश या ऑरेंज कलर टाइप का दिख रहा है। तो इसको हम साउथ की दिशा में बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, इसका हमें बेनिफिट मिलने वाला है। और हम अगर इस फोटो की बात करने जाएं, एक ये भी आती है फोटो जो कि इसका हम कलर बैकग्राउंड देखने जाएं तो इसमें एक चंद्रमा दिख रहा है, वाइट कलर का चंद्रमा है, ब्लूइश कलर का बैकग्राउंड दिख रहा है, ब्लूइश कलर का स्काई दिख रहा है, नीचे पानी भी दिख रहा है और ऊपर से रनिंग हॉर्सेस हैं जो सबके सब एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। अगर हम इसको नॉर्थ की दिशा में लगाने जाएं, अब नॉर्थ की दिशा जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है अपॉर्चुनिटीज़ को, एक कस्टमर के फ्लो को। अगर हम रनिंग हॉर्सेस का हम इस दिशा में अगर ये ऐसा यूज़ करने जा रहे हैं, ऐसी पेंटिंग का यूज़ करने जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ के फ्लो को बढ़ा देंगे, हमारे कस्टमर फ्लो को बढ़ा देंगे। इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें, अब जैसे एक ये पेंटिंग आप देख रहे हैं जो कि है वाइट कलर में, इसका अगर हम ओवरऑल एनालिसिस करने जाएं तो इसका बैकग्राउंड जो दिख रहा है वो वाइटिश वाइटिश दिख रहा है, क्लाउडी दिख रहा है। जो नीचे से आप देख रहे हैं इसका जो फ्लोर भी है वो वाइट दिख रहा है, एक वाइट क्लाउडी टाइप का दिख रहा है। अगर हॉर्सेस देखने जाएं तो वो भी वाइट दिख रहे हैं। अगर इस ओवरऑल हम पेंटिंग का अगर एनालिसिस करने जाएं तो ये पूरी ओवरऑल पेंटिंग हमें वाइट कलर की दिख रही है। तो इस पेंटिंग का हम यूज़ कर सकते हैं वेस्ट की डायरेक्शन में। वेस्ट का जो तत्व है, वेस्ट का जो कलर है वो है वाइट कलर, वो स्काई को रिप्रेजेंट करता है। इसमें हम ओवरऑल पेंटिंग में देखने जाएं तो पूरा स्काई स्काई दिख रहा है, आसमानी दिख रहा है, बादल दिख रहे हैं, क्लाउडीनेस दिख रही है, घोड़े भी दिख रहे हैं वो वाइट दिख रहे हैं। तो इस पेंटिंग का हम वेस्ट में बिंदास यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इस तरीके से हम अगर पेंटिंग का और वास्तु के हिसाब से जो दिशाएं हैं उनके गुणधर्म का यूज़ प्रॉपर हम एनालिसिस करके उनका यूज़ करें तो हमें उनके पॉजिटिव बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर उन चीज़ों का हम उल्टा कर दें, अगर हम नॉर्थ में साउथ के डायरेक्शन वाली पेंटिंग लगा दें और साउथ के डायरेक्शन में नॉर्थ पेंटिंग लगा दें नॉर्थ वाली, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट हमें आना ही है। इसलिए दिशाओं का गुणधर्म और पेंटिंग का जो इफेक्ट आ रहा है, इन दोनों को मैच करते हुए हमें यूज़ करना है।
अगर इन दोनों का मैच करते हुए हम यूज़ करेंगे तो हमें इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अगर आप किस दिशा का कैसा गुणधर्म है वो चीज़ समझनी हो, अच्छा एक ये भी चीज़ ध्यान रखनी होती है, 2D रेमेडीज़ का यूज़ करने से पहले उस दिशा का हमें तत्व शुद्धि करना होता है। तत्व शुद्धि कैसे करते हैं उसके ऊपर पूरे डिटेल वीडियोस मेरे बनाए हुए हैं। जैसे नॉर्थ में आपको पेंटिंग लगानी है तो नॉर्थ में क्या क्या चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, उनकी तत्व शुद्धि कैसे करनी है, तो आप मेरे जो पहले के वीडियोस हैं नॉर्थ के वीडियोस हैं आप उसे देख सकते हैं। साउथ के वीडियो का साउथ के डायरेक्शंस का हम कैसे तत्व शुद्धि कर सकते हैं ये भी आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं। साउथ के लिए एक अलग से मेरा वीडियो बनाया हुआ है। आप वीडियोस को देखते हुए उन दिशाओं के तत्व की शुद्धि कीजिए और उसके बाद ये 2D रेमेडीज वाले पेंटिंग्स का आप यूज़ कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर उसके बाद भी अगर समझ में ना आए तो हम जैसे वास्तुशास्त्री तो हैं ही। नमस्कार।